बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वाइट चॉकलेट ले ली है। मैंने यहाँ पे एक स्लैब वाइट चॉकलेट ली है और उसको मैंने मेल्ट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 30 सेकंड्स के लिए रखा था पर ये मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैं इसे और 30 सेकंड्स के लिए रखा था। टोटल मैंने एक मिनट के लिए इसे मेल्ट किया था। अब देखिए ये दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो चुकी है। मैंने आपको ये जो स्टैंड सिखाया है उसके ऊपर मैंने स्टिक्स लगा दी है और उसके ऊपर मैं ये पूरी लगा देती हूँ। जैसे हमने आगे तैयार किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसे तैयार करेंगे। उसके ऊपर मैं वाइट चॉकलेट डाल देती हूँ और ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर का चॉकलेट डाल दूंगी और फिर से वाइट चॉकलेट डालूंगी। इस प्रकार से मैं इसे शेडिंग की इफेक्ट देने वाली हूँ, इसलिए हम इस प्रकार से बारी बारी चॉकलेट को ड्रिजल करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी पूरियों के ऊपर चॉकलेट डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, की चॉकलेट थोड़ी सेटल हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर वापस ऑरेंज कलर की चॉकलेट डाल दूंगी। मैंने सारी पूरी के ऊपर शेडिंग्स कर ली हैं। अब मैं इसे इसी प्रकार से छोड़ दूंगी जिससे ये सेट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, चॉकलेट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से निकल आते हैं और ये देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। इस प्रकार से हमें वॉल्केनो की इफेक्ट देनी है। अब मैं आपको इसका स्टफिंग सिखा देती हूँ। मैंने गोल्डन कीवी लिया था और उसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और मैंने एक छोटा स्लाइस एप्पल का लिया था, उसको भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, एक टेबलस्पून पाइनएप्पल क्रश। दोस्तों मैंने ये मनामा कंपनी का पाइनएप्पल क्रश लिया है, आपके पास जो भी क्रश अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। हमारा स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम इसके लिए ड्रिंक बना लेते हैं। मैंने ये जो पल्पी ऑरेंज आती है वो ली है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऑरेंज टैंक पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो ऑरेंज क्रश से भी ये शरबत बना सकते हैं। मैं इसके अंदर पल्पी ऑरेंज का जो शरबत है वो डाल देती हूँ। मैं इसके अंदर करीबन 300 ml शरबत ले रही हूँ। 1/8 teaspoon काला नमक, इसे ब्लैक सॉल्ट भी कहा जाता है। दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक का नाप ले सकते हैं। 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काले मिर्च का पाउडर। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। हमारा शरबत बनके तैयार है। हमारी सारी पूरियां रेडी हो चुकी हैं। मैं इसके अंदर हमने जो स्टफिंग तैयार किया है वो भर देती हूँ। थोड़ी अच्छी मात्रा में हम स्टफिंग को भरेंगे जिससे हम जब ये रेसिपी खाएंगे तब बहुत ही डिलीशियस लगेगी। मैंने सारी पूरियों के अंदर स्टफिंग भर लिया है। मैंने ये ग्लास के अंदर हमने जो तैयार किया हुआ ड्रिंक है वो डाल देती हूँ। दोस्तों अगर आपने एक बार ये रेसिपी खाई तो आप इसको खाते ही रहेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। मैंने सारे ग्लास के अंदर ड्रिंक भर दिया है। उसके ऊपर हमने जो तैयार किया हुआ वॉल्केनो पूरी है वो रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसी बहुत ही बढ़िया हमारी वॉल्केनो पूरी तैयार हो चुकी है। हमारी टेस्टी यम्मी डिलीशियस टेंगे तीनी पंच बन के तैयार हैं। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिए।